इंदौर मैरिज डेकोरेटर्स देवी अहिल्या लाइट एंड साउंड संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया, जहां संगठन ने शादी में मेहमानों की संख्या 250 करने की सरकार से मांग रखी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत अन्य व्यवसायों को छूट दी गई है, उसी तरह हमें भी कोरोना गाइडलाइन में छूट दी जाए, जिसके हमारा आर्थिक हालत ठीक हो सके। उनके मुताबिक पिछले एक साल में उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लगभग 80,000 परिवार इस व्यवसाय में न चलने से प्रभावित है। उनके मुताबिक यदि व्यवसाय खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो बर्बाद हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के मेंबर ने सरकार को आग्रह करते हुए कहा है कि हजारों लोगों को परिवार के बारे में सोचे ताकि आने वाले समय में परिवार में कोई आर्थिक संकट खड़ा न हो सके, उनका कार्य भी गाइडलाइन में चल सके। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चे के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर शहर में आज 1,00,000 परिवार निकलेंगे तो शादी से रोजगार है कि मेहंदी बनाने वाले से लेकर तो फूलों की रंगोली तक, वो फूलों का चलन से कार डेकोर तक सभी से जुड़ा है। पता नहीं शासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जनप्रतिनिधियों को ध्यान क्यों नहीं जा रहा है इको सिस्टम के ऊपर। बस मेरा ये निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन थोड़ा हमारे पर ध्यान दे, इस इको सिस्टम को चलाने में मदद करे। थैंक यू। गाइडलाइन से बाहर होकर कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं, जैसा गवर्नमेंट प्रशासन आदेश देगा हम उसी आदेश के अकॉर्डिंग चलेंगे। बिल्कुल जैसा वो चाहेंगे, जो प्रोटोकॉल वो चाहते हैं उस प्रोटोकॉल के अंदर दायरे में रहते हुए हम लोग ये काम करेंगे। और जिससे जितने भी ये हमारे भाई हैं जो इस इवेंट इंडस्ट्री से, वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड 80,000 लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वेडिंग प्लानर, डीजे, लाइट साउंड, टेंट डेकोरेशन, फोटोग्राफर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सिंगर, बैंड, लोगों का पेट जुड़ा हुआ है वेडिंग इंडस्ट्री से। तो इसीलिए 50 लोगों की जो परमिशन है अभी हाल फिलहाल में, उसमें नहीं के बराबर या लगभग काम नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा जो अनुरोध है गवर्नमेंट से कि वो उसको परमिशन को बढ़ा के 250 के आसपास लाया जाए। एंड जितना भी जो भी कोविड, ये अनुरोध था प्रशासन से शांतिप्रिय ढंग से कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल है इसे 50 से बढ़ा के 250 कर दिया जाए। और इसमें जो भी प्रशासन जो भी दिशा निर्देश दे उसका हम सब लोग पालन करना चाहते हैं, उनसे कोई अलग या कोई अलग से हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली बार प्रशासन ने इसका एक गाइडलाइन जारी कर दी थी कि लोग 200 से 250 लोग उसमें आ सकते हैं। अगर ये समय रहते अभी जारी कर दी जाएगी तो हम लोग कुछ उनके सामने भी हमने तर्क रखे हैं और वे लोग भी अपनी हमारी बात जो है वो बोल रहे हैं कि हम अभी ये वाला निपट जाए तो हम, क्योंकि वो सब लोग कलेक्टर साहब का जैसे आदेश है उसी के अनुरूप चल रहे हैं। बट हमारा थोड़ा सा ये है कि एक बहुत छोटा समय है, अगर 18 तारीख तक शादियां शुरू होने वाली हैं, अगर यही 15 दिन निकल गए तो लोग अपने प्रोग्राम 100% कैंसिल करना जारी कर चुके हैं, वो खत्म ही कर देंगे। अभी तक कितने कैंसिल हो चुके हैं आप समझ लीजिए, हमसे 30% प्रोग्राम्स के ऊपर तो इफेक्ट आ गया है। शुरुआती जो डेट्स हैं उसके अंदर बहुत तकलीफ है। तो ये हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, कुछ आप लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा आप उठाइएगा, तो क्योंकि एक बड़ी समस्या है ये चाहेंगे। हम हमारे साथ जो 80,000 लोग हैं इससे जुड़े हुए, वो लोग अपना घर कैसे बचाएंगे? तो हम लोग सिर्फ प्रशासन से ये मांग करते हैं, जो हम लोगों ने पहले गवर्नमेंट ने हमें ये 250 लोगों की परमिशन दी थी, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट गाइडलाइन को देखते हुए ही उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। हम उस प्रोटोकॉल के अंदर पूरा काम करेंगे, वेडिंग्स जितनी भी हम लोग करेंगे प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए करेंगे, और बस ये चाहते हैं हम गवर्नमेंट रिलीज हो इन चीज़ों के लिए, जो जितना आप परेशान हो रहे हैं इस प्रेजेंट इंडस्ट्री को लेकर, इस प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर। तो हम लोग बस प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये नॉर्म्स बढ़ाएं, 50 लोगों से हम लोगों की इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, ना बैंड बाजा घोड़ी लाइट डिकॉर कुछ भी नहीं चल पाएगा, हम लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं बचेगा हमारे हाथ में। सो हम लोगों की गुजारिश है गवर्नमेंट से और प्रशासन से कि इसको कम से कम 250 की जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।